युवक संघ स्कूटी पर बैठी युवती का भीड़ ने उतरवाया बुरखा, संघी महिलाओं ने भी खींचा हिजाब। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 28। हमारे देश में सामुदायिक कड़वाहट इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग एक दूसरे को बेइज्जत करने या प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के भोपाल से एक ऐसी ही घटना 16 अक्टूबर यानी कल दोपहर में हमारे सामने आती है। एक लड़की जो कि स्कूटी पर सवार है और वो मुस्लिम है, भीड़ को सिर्फ इतनी आशंका होती है कि वो एक हिंदू लड़के के साथ स्कूटी पर सवार है, जिसके चलते वहाँ पर इकट्ठा हुई भीड़ लड़की का बुरका उतरवाती है और इस घटना का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वर्तमान में वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि समूह का एक व्यक्ति जो वीडियो शूट कर रहा है, लड़की को यह कहते हुए सुना जाता है कि उसका कार्य स्पष्ट रूप से उसके समुदाय को अपमानित कर रहा है। वीडियो में ही कुछ महिलाएं जबरन उस लड़की को अपना चेहरा दिखाने के लिए मजबूर कर रही हैं। इस वाकये से दोनों पीड़ित अपमानित महसूस कर रहे हैं। युवती वीडियो में रोती हुई दिख रही है। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस घटना को लेकर कोई भी मामला नहीं दर्ज किया गया है। लेकिन इस वीडियो में दिख रहे सभी लोगों पर IPC की धारा 151 के तहत एहतियात कार्यवाही की गई है और भविष्य में उन्हें इस तरह के कृत्य न करने की चेतावनी के साथ छोड़ दिया गया है। तो इस पूरी घटना पर आपको क्या लगता है? क्या सिर्फ सामुदायिक कड़वाहट के चलते ऐसी घटना को एक भीड़ द्वारा अंजाम देना आखिरकार कहां तक सही है? इस घटना पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में कुछ ऐसी ही अनसुनी और अनदेखी घटनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।